गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू एपिसोड गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सिस्टर के घर आया हूँ हरियाणा में, कुरुक्षेत्र शहर में यहाँ पे। तो इस कारण से ब्लॉग भी नहीं शूट किया यार। तो आज जीजू वगैरह बोल रहे थे यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, ब्रह्मेश्वर कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर बहुत अच्छा है मतलब। तो जीजू जाने के लिए बोल रहे थे कि आज वहाँ पर जाएँगे घूमने के लिए। तो मैंने सोचा यार, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग भी नहीं शूट किया, तो आज क्यों ना घूमने तो जा ही रहे हैं, ब्लॉग भी शूट कर ले साथ साथ। तो चलो मिलते हैं ओल सट्टू को वहीं पे जाके। तो भाई रेडी रूडी हो चुके हैं और ये है अपना रूम, निकल रहे हैं अब, चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। तो भाई ये है अपना ऑफिस, प्रॉपर्टी किसी को चाहिए हो 7 सेक्टर, ये अपनी लूनो। ये हमारी सन्नी, ये खड़ी है भाई अपनी सन्नी, पर ये हमें देते नहीं हमारे मौसा जी, ये दी है जी। ये है हमारी लूनो, लूनो पे जाएंगे, नहीं लूनो पे जाएंगे हम अपनी लूनो पे। फाइनली गाइस, मैं जिज्जू पहुंच गए हैं ब्रह्मेश्वर, ये है साथ में जिज्जू। तो जिज्जू आप बताओ कुछ जगह के बारे में। ये जेंट्स का घाट है और ये है लेडीज का घाट, जेंट्स है ये वाला, ये घाट जेंट्स है। हाँ जी, और ये वाला है लेडीज, लेडीज वो बना रहा है वहाँ पे, 18 मंजिले मंदिर बनेगा वहाँ पे। हाँ जी, कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा, आगे है खाटू श्याम जी का मंदिर आगे, यहाँ पे गीता ज्ञान दिया गया था और आगे जाके रथ आएगा वहाँ पे, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया था। और ये बोटिंग वगैरह क्या है जू? बोटिंग की रेस चलेगी यहाँ पे, ये सब अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, ये होगी भाई बोटिंग रेस। तो भाई के रेस स्टार्ट हो चुकी है किश्ती की। कुरुक्षेत्र वालों के और जो हमारे साढ़े गांव वाले के है ना, हाँ जी, फूल हरी द्वार नहीं जाते, मारे जाते हैं सरस्वती नदी में। अच्छा अच्छा, जो सरस्वती नदी वहाँ पे निकली हुई है, महाभारत को यहाँ थोड़ी हुई, यहाँ के 50-60 किलोमीटर के एरिया में, मतलब में सरस्वती नदी का मतलब उद्गम है जहाँ से पैदा हो रही। हाँ जी, ठीक है, तीर मार्ग मतलब जहाँ से पैदा करी, यहाँ से 50 किलोमीटर उधर जावा तो उधर यहाँ तो गुफा थी नीचे, तो नीचा, हाँ जी, वो गुफा यहाँ से बंद कर दी गई है, मतलब 50 किलोमीटर दूर जाके निकलती है, वहाँ पे डेरा आज भी पारस यहाँ पे लगती है। गीता जयंती पूरे उसमें पूरे भारत से लोग आते हैं, हर तरह की संस्कृति आती है यहाँ पे, अपने कला के दिखाती है।
ये श्री कृष्ण जी रथ चला रहे हैं, अर्जुन का, अर्जुन था नहीं? हाँ जी, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और तो हम कर्ण की भूमि गए थे, कर्ण मारा गया था, कर्ण के कुंडल ले लिए थे। प्राचीन मंदिर खाटू श्याम जी का, तो खाटू श्याम जी के भक्त भाई, वो देख प्राचीन मंदिर, देवी कूप, पांडव द्रौपदी कूप, पांडव और द्रौपदी यहाँ स्नान कर रहे थे यहाँ नीचे। ये वो था, ये महाभारत के टाइम का ही है, वो देख रहा है? हाँ जी, ये खाटू श्याम जी का दरबार है। ये जी खाटू श्याम जी का दरबार, ये महाभारत टाइम की है, ये दीवारें जो ये महाभारत टाइम की है, महाभारत, हाँ महाभारत टाइम की है, ये तो बस बाद में थोड़ा बहुत मलबा लगाया गया है। ये वो कूप है जिसमें जिसमें जितना भी दान डालोगे इसको 13 गुना फल मिलता है, यहाँ पे बराबर लिखा गया है। यहाँ पे एक रुपया डालोगे तो भाई यहाँ पे 13 रुपए मिलेंगे, मतलब 1 लाख डालोगे तो 13 लाख मिलेंगे। देखना यहाँ गुप्त दान करने से 13 गुना फल मिलता है। प्राचीन है ये, वो है जो इनकी मतलब कि जो इनका देखभाल करते थे वो उनकी समाधियाँ बनाई गई है यहाँ पे। ये वो पितर पितर बोलते हैं, पितर पक्ष बोलते हैं जिनको। हाँ जी हाँ जी, बाकी मंदिर है यहाँ पे ऐसे नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र में 29,000 मंदिर है, 29,000 मंदिर। सुन लो भाई, आज का ब्लॉग तो बहुत ही मतलब ज्यादा बेहतरीन होने वाला भाई, जिज्जा साथ में आ गए और सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मंदिर है ना, वो मंदिर 18 मंजिली मंदिर बनना था वो। हाँ जी, वो किसी ने इसके ऊपर स्टे लगा दी। ये वाला भाई दिख रहा है, वो वाला सामने, ये सामने रथ लग गए, मतलब सबसे बड़ा मंदिर बनना उस, और उसके साइड में तिरुपति बालाजी मंदिर है। हाँ जी, ये मंदिर बनना था तो किसी बंदे ने इस जमीन पे स्टे ले लिया कोर्ट से। हाँ जी, वो बोलता है कि ये जमीन पुराने टाइम में मेरी थी, तो थोड़ा केस का मैटर चल रहा है, वो बाद में देखेंगे क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। चलो भगवान उसका भला करे। बाकी ऐसा मंदिर बनेगा, ऐसा मंदिर नॉर्थ इंडिया में कहीं देखने लायक नहीं होगा जैसा मंदिर वो बनेगा। ये हो भाई जहाँ पे गीता जी का ज्ञान दिया गया था, ये मंदिर, हाँ ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है जहाँ पे ज्ञान दिया गया था। ठीक है, अंदर से आगे जाकर घूम के आया, मतलब ये सारा 6 किलोमीटर के अंदर है, पूरा ब्रह्म सरोवर है ना ये। हाँ जी, ये सारा पूरा 6 किलोमीटर के अंदर है ये पूरा। हाँ, जब गीता जयंती लगती है ना यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब अपनी संस्कृति दिखाने के लिए, कोई कपड़ा, पुराने टाइम के फोन नहीं आते थे वो जैसे घुमाने वाले। हाँ जी, बोलने वाला अलग, सुनने वाला अलग। हाँ जी, वो भी मिलते हैं इधर, पुरानी संस्कृतियाँ, मतलब भाई साउथ की क्या, मतलब साउथ की संस्कृति क्या है, उनका खाना क्या है, भाई कोई हाथ का ब्रेसलेट बनाता है, मतलब यहाँ पे पूरा मेला लगता है। ठीक, जैसे पोंटा में मेला लगता है, फिर मतलब कहीं पे मेला लगता है ना। हाँ, सबसे मशहूर है ये गीता जयंती उत्सव, अब लगेगा पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड आते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे ये सारे अलग अलग आता है। 1,000 साल पुराने मठ, मतलब महाभारत के बाद यहाँ पे जब लोग आए उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने यहाँ पे बसा लिया। ठीक है, तो लोग दान देते गए, बोलते हैं ना। हाँ जी, कि भगवान को पैसों की क्या जरूरत होती है, लोग मंदिर में पैसा भगवान को नहीं चढ़ाते। हाँ जी, लोग मंदिर में पैसा उसको चढ़ाते हैं कि ताकि जो मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की देखभाल कर रहा है ना पुजारी। हाँ जी, पुजारी का पालन पोषण हो जाए, तो मंदिर में पैसे डालते हैं, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, वो पुजारी के लिए डाला जाता है, पुजारी के भी बाल बच्चे होते हैं उनके खाने पीने। सर्वेश्वर महादेव जी मंदिर, हाँ जी, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा द्वारा चलाया जाता है ये मंदिर। अभी लेडीज घाट के अंदर है, वह जेंट्स का घाट, उधर कुछ नहीं है, मंदिर वगैरह इधर है खाटू, उधर मतलब जेंट्स में खाटू जी का आता है, और ये जो रथ है रथ आता है, और ये इनका मंदिर आता है यहाँ पे सर्वेश्वर जी।
जो महादेव जी का मंदिर। बाकी भाई माथा वगैरह टेक लिया इधर तो सारा 6 किलोमीटर के अंदर है सब सारा पूरा पूरा ब्रह्म शहर भाई पूरा 6 किलोमीटर के अंदर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में। सो भाई मैक्सिमम तो सब कुछ घूम ही लिया है मक्की जीजू तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ये चक्कर है मतलब दान या मतलब दान वगैरह धन दौलत मतलब की धन राशि वगैरह बहुत चढ़ती है। हाँ जी तो मुद्दा ये है कि भाई जितना भी चढ़ता है ना हाँ जी तो मतलब कि कांग्रेस सरकार का एक रूल था कि भाई जितने भी मंदिर है ना हाँ जी मंदिर सारे सरकार के अंडर में आते हैं मंदिर ले रखे उन्होंने अपने अंडर में। ठीक है अगर जैसे कि मंदिर की 100 रुपये की कमाई हुई है कि जैसे हमने श्रद्धा से किसी ने 10 रुपये चढ़ाया है कोई 500 चढ़ाना चाहता है कोई 2000 चढ़ाना चाहता है कोई 1 लाख दे कोई चाहे 1 रुपया दे उसकी मर्जी है तो उसमें 80 रुपया तो चला जाएगा सरकार के पास 20 रुपया रहता है मंदिर के पास। हाँ जी ठीक है और मस्जिद का चक्कर क्या है कांग्रेस राज में मस्जिद का चक्कर ये है मस्जिद कोई भी मस्जिद सभी भाई सोशल मीडिया यूज करते हैं आज के टाइम में गूगल पे सर्च करके देख सकता है कोई भी मस्जिद मदरसा सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। ठीक है मस्जिद में जितना पैसा चढ़ता है वो सारा जाता है मदरसों में। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और मैक्सिमम तो सब घूम लिए हैं और आपको भी सब कुछ दिखा दिया है निज्जन एक्सप्लेन भी किया है हर जगह के बारे में मतलब जो जो था उसके बारे में एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे तरीके से। कभी आओ आप भी ब्रह्मशहर में घूमने के लिए कुरुक्षेत्र में। चलो ठीक है हम ब्लॉग भी यहीं एंड कर रहे हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।